आजकल अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से राष्ट्र के अलग-अलग तबकों पर हमले कर रही है, उसका जवाब क्या है? तो दोस्तों, सबसे जरूरी ये है समझना कि आखिरकार मोदी सरकार के हमले का तरीका क्या है। 16 मई 2014 से लेकर और अब तक मोदी सरकार के काम की पद्धति है, उस पद्धति की बुनियाद में बंटवारा है। जैसे सबसे पहले आप याद कीजिए जीएसटी का बंटवारा। एक तरफ जीएसटी जो चाहते वो ईमानदार लोग हैं, जो नहीं चाहते वो बेईमान लोग, लेकिन परिणाम व्यापारियों को बांटते। उसके बाद नोटबंदी की, उसमें देश की जनता को ईमानदार और भ्रष्ट में बांटते, जबकि आप सब जानते हैं उसकी हकीकत क्या है। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ इस देश, उसमें किसानों को बांट दिया, समर्थकों को बांट दिया, आंदोलनकारियों को बांट दिया, फिर पेंशनर्स को बांट दिया। उसके बाद छात्रों ने आंदोलन किया राष्ट्रीय स्तर पर, तो छात्रों को बांट दिया। अब जब सबको बांटते चले आए तो अब पत्रकारों को बांट दिया है। एक पत्रकार वो है जो देश प्रेमी है, यानी सरकार प्रेमी है, और दूसरे पत्रकार वो है जो जनता के पक्ष में बोल रहे हैं, वो देशद्रोही है। इसलिए इनका जवाब सिर्फ एक है कि इनके बंटवारे के खिलाफ बगावत करें। इनका जवाब एक है कि बंटवारे की इनकी तरकीब को फेल करें। ये इस देश में राज सिर्फ इस आधार पर कर रहे हैं कि बंटवारे में इनका भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसी को पार्टी की कार्य पद्धति के रूप में तब्दील कर दिया है, और इसी को सरकार की उपलब्धि के रूप में गिनाना भी। अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो जाहिर तौर पर तानाशाह से तानाशाह सरकार को भी आप समय रहते जवाब देंगे।